प्रदेश के आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। असलों के दम पर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 40 लाख की लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। कर्मचारियों को बंधक बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कोरियर कंपनी के कार्यालय में ये लूट हुई है। एसएसपी एसपी सिटी समेत थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गया है। ये पूरा मामला आगरा के थाना क्षेत्र रावतपाड़े का बताया जा रहा है। करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ 2 लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में गली है पीपल वाली गली जो भी है ये यहाँ पर 4 व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे के बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा गया बात की हुई तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं। वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कैश किसका था, किस कंपनी का था या कोई प्राइवेट कैश? अभी उसके बारे में जो उसके कंप्लेनेंट हैं उनसे डिटेल में बात होगी, जिसके बारे में बताएंगे कि उनका था किसी और का था या ये कैरियर का काम करते थे, तो ये सब बातें तो अभी जांच का विषय है। हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि पहले जो बदमाश जिन्होंने घटना कारित की है उनका पता लगाया जाए और पैसे ऑफिस इनका ये पैसे के लेन देन का ये ऑफिस है यहाँ पर। प्रोबेबली अभी कन्फर्म नहीं है, प्रोबेबली ये पैसे के कोरियर का काम करते हैं जिसको आम भाषा में हवाला बोलते हैं, संभवतः वो काम करते होंगे, बट अभी बाकी सब चीज़ जांच में आएंगी जिसका अभी पता लगाया जाएगा। थैंक यू।